तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के बारे में। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर हाइवर पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल पर से हमको स्टॉक में अगर यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.12% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रही तो यहाँ से भी और तेज़ी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 4586 का पहला यहाँ पर रजिस्टर देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 4630, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 4712, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 4849, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 4957, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 5072, और उसके बाद हमको यहाँ स्टॉक में 5200 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट आप रजिस्टेंस। और यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अभी गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 4541 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 4463, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 4401, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 4350 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट आपको सपोर्ट। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।